Good morning everyone and welcome to the class. In the previous class we have discussed the question. These are the three questions which have the same answer. So today we will discuss the answer of this question. Okay, so what was the path followed by China in order to transform its economy from state controlled economy to market economy? So first of all, introduction. And in introduction, you have to write the economic crisis, not in detail, the economic crisis which the country was facing, and because of that economic crisis, what major decisions were taken by the Chinese leadership in the decade of 1970. इसके साथ आपका introduction होगा, ठीक है? Economic crisis and major policy decisions. इसको बहुत डिटेल में नहीं देना है क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर योर आंसर विल नॉट बी बैलेंस्ड. द आंसर शुड बी बैलेंस्ड. तो इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 4 to 5 सेंटेंसेस में आपका सम अप हो जाना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है? सो इकोनॉमिक क्राइसिस एंड दैट मेजर policy decision taken by Chinese leadership. ठीक है, अब इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा पाथ उसने, कैसे उसने अपने इकोनॉमी को चेंज किया फ्रॉम state controlled economy to market economy. So in that you will see that the first point in that will be that the Chinese economy was opened step by step, hai na, step by step opening of the economy instead of going for shock therapy, है ना? Shock therapy में जैसे अचानक से सब कुछ ओपन कर दिया गया था, उसको नहीं फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप उसको ओपन किया गया, है ना? ओके, नेक्स्ट जो है अब हम लोग बताएंगे कि कौन सा स्टेप लिया गया. जैसे फर्स्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. '82 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया गया. और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, नंबर ऑफ द क्वेश्चन. अगर ये मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन के साथ ये जो स्टार्ट कर रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदा हुआ उसको भी आप साथ में लिख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और साथ साथ रूरल इनकम बढ़ा एंड दिस लेड टू द इंक्रीज इन द दिस रूरल इंडस्ट्री, है ना?
तो इसके साथ आपका ये पॉइंट हो गया कि एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन के साथ प्रोडक्शन बढ़ता है, रूरल इनकम बढ़ता है और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है ना, एंड दिस वॉज डन इन द ईयर 1998। Okay, and this privatization of industry also led to the increase in the industrial production, and overall per capita income was also growing. ठीक है, then next point जो हो जाएगा वो हो जाएगा opening of the that end of the obstruction in the on the trade barriers. Trade barriers were eliminated, but these trade barriers were eliminated only in the special economic zones, SEZs, है ना? Trade barriers. तो इन सब से क्या हुआ, ट्रेड बैरियर जो रिमूव किया गया उससे फ्लो ऑफ गुड्स बढ़ा प्लस फ्लो ऑफ कैपिटल, FDI का बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया। तो दीज आर द स्टेप बाय स्टेप ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी। इसका लास्ट स्टेप जो हम कहेंगे वो ये है कि चाइना जो है वो WTO का मेंबर बन जाता है, चाइना बिकम्स द मेंबर ऑफ WTO इन द ईयर 2001। तो ये आपके इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है दैट इज चौथा पॉइंट जो है वो है एंड बाय दिस दिस इज द फाइनल स्टेप। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया कि कैसे चाइनीज इकोनॉमी जो कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी कैसे वो मार्केट इकोनॉमी में चेंज हो जाती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन चाइना Explain China as a new center of power. तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आपका जो इंट्रोडक्शन होगा लोकेशन सबसे पहले आपको चाइना को बताना होगा। एशिया का ये एक जायंट है ना, देन पॉपुलेशन द world's largest population it is having, then when it came into existence the PRC it came into existence in the year 1949. So these will be your introduction for China. Okay, and now we come to the point how we can say that China is a new center of power. For that you'll have to write the its economy के बारे में सबसे पहले आप बताएंगे चाइना की इकोनॉमी, जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट नाउ जिसको हमने डिस्कस किया वही हमें बताना है कि 1970 से चाइनीज इकोनॉमी को ओपन किया गया और प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ और इसके साथ साथ इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। यू हैव टू टेल द इम्पैक्ट, जैसे
पहले वाला जो इसके क्वेश्चन था जिसमें हमने ये कहा कि कैसे ये स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में चेंज हो गया, उसमें हमने उन डिसीजंस के बारे में बताया जो जो लिया गया, जैसे 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया गया, 98 में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया गया, फिर सेज बनाए गया, सीजर्ट्स बनाए गए, ये बताया गया। अब यहाँ पर आपको उसका इम्पैक्ट बताना है ना, तब ताकि ये समझ में आए कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर हम जब इकोनॉमी के बारे में बताएंगे चाइना की, तो उसके ये चीज़ें हमें बतानी हैं कि इन द डिकेड ऑफ 1980 चाइनीज इकोनॉमी स्टार्टेड टू ग्रो बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहां पर आपको ये जरूर बताना होगा कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द इंक्रीज इन रूरल इनकम एंड इट यस प्राइवेटाइजेशन इट लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, है ना, एंड दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेड टू इंक्रीज इन रूरल इनकम। जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा, इंक्रीज इन सेविंग। ठीक है, और जब सेविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, इंडस्ट्रीज में ही प्राइमरली इन्वेस्ट किया जाता है, तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, ये सब नहीं बताना, ये आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसको आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है कि दिस प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम विच कंसिक्वेंटली इंक्रीज द सेविंग्स ऑफ द रूरल पीपल एंड दस रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑल्सो टुक प्लेस। ओके, सो दिस रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और ये हो गया एग्रीकल्चर के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में इकोनॉमी के अंदर ही देखेंगे कि ये हो गया, ठीक है। कि किस तरह से जो इंडस्ट्री में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, है ना, तो इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इट लेड टू इंक्रीज इन production, then it led to increasing per capita income, है ना, तो इस तरह से इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन का ये फायदा हुआ। देन इकोनॉमी का एक तीसरा सेक्टर होता है ट्रेड,
है ना, तो ट्रेड भी ओपन हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी हमें लिखना है। ये सारे बहुत लंबे लंबे नहीं लिखने हैं, आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपकी सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं, है ना, बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है, बट चीज़ें सभी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देंगे कि किस तरह से क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, दिस लेड टू इंक्रीज इन फेनोमेनल इंक्रीज, मतलब बिल्कुल अनइमेजिनेबल इंक्रीज हुआ फॉरेन ट्रेड में। ओके, फेनोमेनल इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड एंड वन मोर इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट वॉज दैट चाइना बिकेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर FDI। FDI क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कारण फॉरेन ट्रेड में फेनोमेनल इंक्रीज होता है एंड चाइना बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर FDI। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, इन सब का नतीजा ये होता है, ये जो दो चीज़ें हुई कि चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, है ना, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और जब इसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, इट वॉज इन अ कंडीशन टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज, है ना, सो इट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमी, कैसे चाइना की जो इकोनॉमी है वो उसमें क्या क्या राइज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने बता दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड। एंड नाउ द फोर्थ वन इज इट बिकेम पार्ट ऑफ WTO, मेंबर ऑफ WTO, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ चाइना इज getting integrated with the world economy, है ना, चाइना अब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलता जा रहा है एंड इट इज नाउ इन अ कंडीशन टू सेव द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर ऑल्सो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमी के अंदर ही देंगे वो वही है, बिकम्स मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, ये हो गया चाइना एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर के जो इकोनॉमी में जो मेन पॉइंट्स आपके आएंगे वो हो गए। ठीक है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम पॉलिटिकल में भी देखेंगे कि क्या आखिर पॉलिटिकली हाउ कैन वी से दैट चाइना इज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो चाइना रिप्रेजेंट्स कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, दिस इज इट्स स्ट्रेंथ, एक अलग ही आइडियोलॉजी को ये
दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी चीज चाइना अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का ये एक परमानेंट मेंबर है. दीज आर इट्स स्ट्रेंथ, ये इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है. देन इट्स अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री. ओके, तो ये चाइना के पॉलिटिकल पावर में स्ट्रेंथ आएगा. और दिस इज योर ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ चाइना इज बिकमिंग अ न्यू सेंटर ऑफ पावर. ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस था वो हमने थे वो हमने कर लिया. अब जो न्यूली एडेड पेपर्स हैं, न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं, जैसे रसिया है, इंडिया है, इज़राइल है, देन ब्रिक्स है, दीज फोर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हैज बीन एडेड इन योर चैप्टर. तो उनके बारे में जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जो होंगे वो वही होगा कि एक्सप्लेन इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, एक्सप्लेन रसिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, इज़राइल और ब्रिक्स. तो उसमें जो आपका कंटेंट विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, जो कंटेंट रिटन कंटेंट मैं आपको दूंगी बस वो सारा उसमें आ जाएगा. ठीक है, अब उसके अंदर से बहुत सारे जिसको कहेंगे वन मार्क क्वेश्चन कई सारे निकलेंगे, जो कि आपके रेफरेंस मटेरियल में जितना दिया है बस उसमें से ही वन मार्क क्वेश्चन होगा. क्योंकि जो एडिशनल नोट्स विच इज प्रोवाइडेड टू यू बाय मी, दैट इज वो आप अपने लॉन्ग टाइप में उसको इंक्लूड करिएगा, बट उसमें से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, वन मार्क क्वेश्चन होंगे, वो रेफरेंस मटेरियल वाला ही होगा जो आपके रिवाइज सिलेबस में दिया है. तो उसमें अभी हम लोग उसको देख लेते हैं कि किस तरह के वन मार्क के क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं. ठीक है, जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो वही उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज को वो है उसमें, है ना, मेंबर कौन कौन से हैं. व्हेन इट वाज फाउंडेड द ईयर 2006 वो आपको बताना है. व्हेन साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड इन ब्रिक एंड इट बिकम्स ब्रिक्स वो आपको देखना है, कौन सा ईयर था वो, 2009, है ना. देन की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स, ये एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं, एमसीक्यू में नहीं, बल्कि ये एक नंबर का अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स, है ना. तो वो आपको दिया हुआ है जो हमने बताया था कि कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग द मेंबर्स एंड बिसाइड्स नॉट नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव. तो ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स है वो आपका अलग से क्वेश्चन हो सकता है. देन इसका जो लास्ट मीटिंग हुआ, 11th कॉन्फ्रेंस जो ब्रिक का हुआ, वो कब हुआ, 2019 में हुआ, कहाँ हुआ, ब्राज़ील में हुआ, और जिसमें जैर बोल्सोनारो जो थे उन्होंने उसको प्रेसाइड किया था, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं. ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है बिल्कुल. और इसके अलावा जो रिटन कंटेंट आपको दिया जाएगा वो आपके लॉन्ग टाइप जो आंसर्स होंगे उसमें आपको इंक्लूड करना है. ठीक है, इसी तरह से रसिया है, रसिया के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वन मार्क में बनता है, जो कि यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बना आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, हु बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, इट्स रसिया, है ना, ये हम लोग जानते हैं. और इसके बाद जो एक और चीज़ है वो है रसिया की जीडीपी किस पोजीशन पे है. द जीडीपी ऑफ रसिया इज 11th, है ना, तो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की, ये याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन. एंड देन रसिया के बारे में एक और, इसमें आप अगर रेफरेंस मटेरियल देखेंगे तो एक टर्म यूज हुआ है P5. सो व्हाट इज दिस P5? P5 इज पावरफुल 5, द 5 परमानेंट 5, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. उसके बारे में आपको बताना है, चाइना, रसिया,
US, UK and France. These are the permanent members of Security Council. These are the nuclear weapon states. They are called P5. ठीक है. और इसके अलावे रसिया के बारे में जो वन मार्क में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है. तो रसिया के बारे में यही है, उसके GDP और P5, ये क्या है, सक्सेसर कौन बना, ये सारा कुछ. देन अगर हम इंडिया के बारे में देखें, जो आपका रेफरेंस मटेरियल में जो चीज़ें दी हुई हैं उसके बेसिस पे अगर हम देखें कि वन मार्क क्वेश्चन कौन से बनते हैं, तो देयर कैन बी क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब. क्योंकि जो रेफरेंस मटेरियल के अंदर से जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो इसी तरह के हैं. हाउ मेनी पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब. दिस इज 200 million, है ना. 200 million पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द टारगेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. द इंडियन इकोनॉमी इज टारगेटिंग टू अचीव द गोल ऑफ $5 trillion इकोनॉमी. अपनी इकोनॉमी का जो साइज है उसको $5 trillion करना चाहते हैं. देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर, वॉट डू यू मीन बाई मेक इन इंडिया, और हाउ मेक इन इंडिया इज मेकिंग इंडिया अ पावरफुल सेंटर ऑफ अ न्यू सेंटर ऑफ पावर. तो मेक इन इंडिया जो है वो, उसके बारे में जो नोट्स है वो आपको दिया जाएगा, बट यहाँ पर आप बस इतना समझ लीजिए कि मेक इन इंडिया का यही कॉन्सेप्ट है कि चीज़ें इंडिया के टेरिटरी में बननी चाहिए, है ना. इट्स नॉट कि इंडियन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, इंडियन कंपनीज बनाए. इट्स ओनली अबाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो भी चीज़ें इंडिया की टेरिटरी के अंदर बन रही है उसको हम मेक इन इंडिया के नाम देते हैं. मतलब द गुड शुड नॉट बी इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड. MNCs ही बनाए, मल्टीनेशनल कंपनी ही बनाए, बट इंडिया की टेरिटरी के अंदर अगर वो बना रही है तो उसको हम मेक इन इंडिया के अंदर रखते हैं. ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो आपको दिया जाएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा. इस पर भी एक नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है. इसके बाद जैसे इसराइल है न्यू सेंटर ऑफ पावर, तो इसराइल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नेम द ओनली नॉन मुस्लिम कंट्री इन वेस्ट एशिया, विच इज़ द ओनली नॉन मुस्लिम कंट्री इन वेस्ट एशिया. इट इज़ इसराइल. इसराइल इज़ द ओनली नॉन मुस्लिम कंट्री इन द वेस्ट एशिया. ठीक है. और इसके अलावे जो इसराइल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, नेम अ ज्यूइश ज़ायनिस्ट नेशन विच इज लोकेटेड इन वेस्ट एशिया. ठीक है. तो ये जो ज्यूइश ज़ायनिस्ट नेशन है वो कौन सा है, वो इसराइल है. ज्यूइश ज़ायनिस्ट नेशन इन वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट, दैट इज इसराइल. तो इसराइल के रिगार्डिंग आपका यही क्वेश्चन है. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें से यही सब निकलते हैं. और बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी कंटेंट है, ऑल दीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू. और इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें न्यू ऐड हुए हैं, न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो इस पर ध्यान देना होगा. ठीक है. अभी हम लोग इसके बाद जो हमारा नया चैप्टर है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव सो मेनी टाइम्स डिस्कस्ड अबाउट यूनाइटेड नेशंस. जब भी हमने US की हेजेमनी जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें कई बार UN का जिक्र आया कि UN ने मैंडेट नहीं दिया 2003 में, फिर भी अमेरिका ने अटैक किया, है ना. देन हम लोग देखे कैसे ग्वांटानामो बे में UN के जो इंस्पेक्टिंग टीम है उनको वो नहीं जाने देते हैं ग्वांटानामो बे में अमेरिका. तो हमने UN के बारे में कुछ कुछ आइडिया आपको लग चुका है, क्या है UN, कितनी इसकी पावर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हाउ पावरफुल इज़ इट इन प्रेजेंट यूनिपोलर वर्ल्ड, है ना.
इसके बाद हमने ये भी देखा था सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी कई बार ही, अभी जस्ट नाउ हमने कहा P5 क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यू आर एक्वेंटेड विथ दिस यूनाइटेड नेशन, तो उसी को अब हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में उसके बारे में जानेंगे। सो इन टुमारोज क्लास वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन।